आईएसएस की ओर से मैराथन रेस का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग इस मैराथन में भाग लेने के लिए दूर दराज इलाकों से पहुंचे, जिसमें 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की कैटेगरी रखी गई है। आज की भाग दौड़ भरी लाइफ स्टाइल को देखते हुए लोगों में फिटनेस के प्रति काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। कौसाम्बी रनर क्लब से हूँ, कौसाम्बी से, और मैं यहाँ 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सारे लोगों को मॉर्निंग में रन करना चाहिए, बिकॉज रनिंग ही ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता और इसको कहीं भी आप रन कर सकते हो। इसके लिए कोई जगह भी ऐसे डिसाइड नहीं होता है, तो मेरी सबसे ही रिक्वेस्ट है कि सबको रन करना ही चाहिए। फिटनेस के लिए एक्टिव होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। हर बंदे को कोई ना कोई गेम में एक्टिविट होना चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल, सिटी लाइफस्टाइल में आपका सोना पीना खाना ये सब बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। अपने स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट, रनिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, योगा, कोई भी गेमिंग आप अपने डेली रूटीन में डालिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। अगर हेल्दी रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए है। हेल्थ बेसिकली आप मार्केट से कहीं खरीद नहीं सकते, उसके लिए आपको खुद अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज करेंगे तभी आप फिट एंड फाइन रहेंगे। बिकॉज क्योंकि आपको मेडिकल स्टोर पे दवाई मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन फिट रहने के लिए आपको कहीं से उसके लिए कोई भी शॉप नहीं है। मैक्सिमम 10 किलोमीटर का इवेंट है यहाँ पर, तो हम लोग 10 किलोमीटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली हम लोग हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सीडेंट्री लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, उसकी वजह से लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ काफ़ी हो रही हैं। तो अपने आप को फिट रखना आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि कोरोना के टाइम में आपको इम्यूनिटी की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी आपको मालूम पड़ी थी, इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दिन के 24 घंटे में आप अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपको अपने लिए। ये टाइम है जो आप अपने लिए दे रहे हैं सिर्फ, और ये बहुत ज़रूरी, सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है हम लोगों में से काफ़ी लोग मोटिवेट हुए हैं ये सब करने के लिए। हमारा ग्रुप हमने 2 लोगों से स्टार्ट किया था और अभी हमारा ग्रुप मतलब 70+ का ग्रुप है और सब लोग मोटिवेटेड रनर है, डेली हम लोग रनर करते हैं। मैं अभी जो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ 10 किलोमीटर कैटेगरी में कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया है YSS फाउंडेशन ने, क्योंकि अभी का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमें कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए। तो मेरा सजेशन है सबसे कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, आप योगा कीजिए, और इस तरह के इवेंट जो है फिटनेस प्रमोट करते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हमें लेके जाते हैं, तो हमें हिस्सा लेना चाहिए, आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए।